बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हिकमत 892 टीवी चैनल। हकीम मास्टर मोहम्मद इस्लाम मलिक एक नए नुस्खे के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज का नुस्खा सर दर्द के लिए है। ऐसे हजरात जिनके हमेशा सर में दर्द रहता हो वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके और फ़ायदा हासिल करें। ऐसी मेरी माएँ बहनें बेटियां मेरे भाई जिनके सर में दर्द रहता हो खवा किसी भी वजह से दर्द रहता हो वो इस नुस्खे को मामूली सा समझकर तर्क ना करें, इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह जो सर का दर्द हमेशा रहता था चंद दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह सर का दर्द हमेशा के लिए जाता रहेगा। दोस्तों नुस्खा शुरू करने से पहले मेरे तमाम मुसलमान भाई जो नमाज नहीं पढ़ते खुदारा नमाज सीखें, खुद भी पढ़ें, अपने बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको नमाज पढ़ने की ताकीद करें। ज़िंदगी मुख्तसर है, इसे ज़ाया ना करें। नमाज अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है। जब भी कोई मुसीबत का वक्त आ जाए तो दो नफल अदा कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक नमाज की बरकतों से आपकी मुसीबत को टाल देगा, मुश्किलात आसानी में तब्दील हो जाएंगी। तो दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। इस नुस्खे में सिर्फ तीन चीज़ें शामिल हैं जो आपको हर पनसार की दुकान पर बआसानी मिल जाएंगी। बहमन सफ़ेद 6 ग्राम, बहमन सुरख 6 ग्राम, इनके सफ़ेद बहमन और सुरख दो किस्म के होते हैं। सुरख बहमन भी 6 ग्राम है और सफ़ेद बहमन भी 6 ग्राम है। काय फल 1 तोला है, इनके 12 ग्राम वाला तोला लें। तो ये तीन चीज़ें, तीनों को अलग अलग बारीक पीस कर आपस में मिला लें और महफूज कर लें। दवा तैयार है। इस 24 ग्राम दवा की कुल 7 पुड़िया बना लें, 7 हिस्से बना लें। अपने करना ये है कि रोज़ाना 1 पुड़िया सुबह के वक्त सूजी का हलवा बनाएं, देसी घी डालकर सूजी का हलवा बनाएं, या फिर अगर सूजी ना मिले मैसर ना हो तो आप आटे का हलवा भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हलवा बनाएं और उसके अंदर थोड़े से हलवे में ही 1 पुड़िया की दवा लपेट कर उस सुबह नहार मुँह खा लें और बकाया कुछ हलवा ऊपर खा लें ताकि मुँह का जायका दुरुस्त हो जाए। दोस्तों ये 7 दिन का कोर्स है, इंशाल्लाह सर का दर्द जाता रहेगा। ये नुस्खा मेरे पीर व मुर्शिद साहब के आस्ताने से मुझे आता हुआ और आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर कर दिया। दोस्तों ये तमाम नुस्खे जो भी हैं ये खलके खुदा के लिए हैं ताकि मेरे तमाम भाई दोस्त मेरे बुज़ुर्ग इनको इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।